लेकिन सिम्बा अंकल ने तो मना किया था। हम सब शेर नहीं है तो क्या हुआ, हम सब प्राइड लाइन के सबसे खूंखार, सबसे बहादुर, सबसे तेज, ताकतवर और तीखी नजर वाले हैं। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, सही ही है। हाँ चलो चल कर उन लखड़बगों को सबक सिखाते हैं। रुक जाओ बंगा, ये कोई खेल नहीं है, उन्हें रोकने के लिए प्लान बनाना होगा और मेरे दिमाग में एक प्लान है, लेकिन तुम सबको लायन गार्ड का हिस्सा बनना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। मैं भी। बताओ क्या करना है कायन। बंगा तुम सबसे बहादुर हो, पुली तुम सबसे तेज हो, ऑनो तुम्हारी नजरें सबसे तीखी है, वेस्टी तुम सबसे ताकतवर हो, हम सब लायन गार्ड है और हम ये करने वाले हैं। टीफो को इतना वक्त क्यों लग रहा है, पापा को लकड़बग्घों को रोकना होगा। ये क्या, ब्राइट लैंड है, जब तक लायन गार्ड रक्षा करेगा तब तक। ये क्या है, आसमान से सीधा झाड़ी में। सुवेसी, तुम जहाँ भी जाओगे मैं सबसे पहले पहुँच जाऊंगी। मैंने कहा था ना। शाबाश, सही जा रहे हो। छुपा छुपी का खेल। मिस्टी, अब तुम हट जाओ सब। ट्वेंटे की बहू सिम्बा, नाला देखो। गायन का लायन गार्ड, उन्होंने जंजा और लकड़बग्घों को भगा दिया। आखिर वो हमारा बेटा है। पर वो हिरन, वो कियारा की तरफ भाग रहे हैं। अब क्या करें? कियारा, बचाओ! कायन, कियारा को चोट लगी है। ठीक है, हमें जल्दी उस तक पहुंचना होगा। मैं सबसे तेज तो हूँ, पर वहाँ पर पहुंचकर करना क्या है? मुझे उसके पास ले जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। बंगा, फिक्र मत करो कायन, इस बार इस छुटकू के पास प्लान है। ठीक है, जल्दी इस तरफ। कियारा उस चट्टान के पीछे फंसी है। मैं और पास नहीं जा सकती। ठीक है, मैं यही उतर जाता हूँ। मैं आ रहा हूँ कियारा। तुम बदबूदार हो पर बड़े बहादुर भी हो। कायन, बंगा और फुली कामयाब हुए, कियारा ठीक है। अरे वाह, उन दोनों को खेत के किनारे पर मिलने को कहो। जान जाओ, उसके दोस्तों को एक यादगार तोहफा देने का वक्त आ गया है। माँ, पापा, कियारा, शुक्र है तुम ठीक हो। मैं नहीं बचती अगर कायन और उसके दोस्त न होते। शायद उसने उन्हें चुनकर सही ही किया है।